पुलिस आई है राजस्थान से, उन्होंने घर में आके बहुत लेडीज थी अकेली, उनको तंग किया है, उसने किया है। हम उसके सीबीआई के साथ हम अपना उद्योग दे के उसको पकड़वाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो हम उसको। तो जो तस्कर है उन्होंने ये एफआईआर करवाई है, पहले 5 नामों की थी, अब उसमें 5 में 8 और जुड़ दिए। कांग्रेस पार्टी है वहाँ, 3 महीने बाद इलेक्शन है, उनके दबाव में आकर ये अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे हमारे गोभक्तों को तंग ना किया जाए, ये उनको भुगतना पड़ेगा। गुरनाम सिंह, सरपंच बामलना, आज गांव में पंचायत हुई है, जो कि हमारे एक भाई के नाम आया है, जो कि विवाद में कांड हुआ था, उसके बाद तो पंचायत ने फैसला लिया है कि 1 तारीख को महापंचायत करेंगे, उस भाई को न्याय दिलाएंगे। और सीबीआई की जांच की मांग करते हैं हम, क्योंकि वो घर में पुलिस आई है राजस्थान से, उन्होंने घर में आके बहुत लेडीज थी अकेली, उनको तंग किया है, उसके लिए हम, इसलिए हम प्रशासन के साथ नहीं है। जो भी आगे प्रशासन आए पहले पंचायत को बताना चाहिए, फिर पंचायत जिससे भी पूछताछ करवानी है पंचायत के सामने होगी, वैसे पुलिस नहीं आएगी गांव में। इसलिए हम एसपी साहब को भी इसका ज्ञापन देंगे और सीबीआई जांच की मांग करें। तो सरपंच साहब, कितने सदस्य कमेटी बनाई है और किस तरह से वो काम करेंगे? आज 15 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि हर गाँव में जाएगी, आस पास के जितने भी आंध गुआंध में, उनको इन्वाइट करेगी 1 तारीख की महापंचायत के लिए, और साथ में पंचायत भी चलेगी। तो महापंचायत रखी हुई है? हाँ जी। वो किस लिए? 1 तारीख को भी उस भाई की सीबीआई जांच हो, जो भी उसने, अगर उसने किया है तो हम उसके सीबीआई के साथ हम अपना वो सहयोग दे के उसको पकड़वाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो हम उसको घर लेके। तो खापों वगैरह को भी इन्वाइट किया जाएगा? नहीं, भी खापों को इन्वाइट नहीं किया जाएगा, सिर्फ पास के जो 10-15-20 जितने गाँव हो सकते हैं। तो कोई और संगठन जिस तरह बजरंग दल? हाँ, बजरंग दल और गोरक्षा दल के सदस्य हमारे साथ हैं। अभिषेक है, किस उससे हो संगठन? मैं बजरंग दल से हूं। अभिषेक जी, किस तरह से रणनीति तय की गई है, किस तरह से जो कमेटी बनाई गया है, बजरंग दल किस तरह से साथ देगा? देखिए, आपके मामला संज्ञान में ही है सारा, जो पीछे कैप्थल का बबलदाना गांव से एक नाम आया कालू का, लेकिन आज गांव में पंचायत थी, हमें भी बुलाया गया, और आज सबका यही कहना है कि राजस्थान पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। जिस तरह का पहले मेवात में कांड हुआ, श्रीकांत के घर घुसकर मारपीट हुई, उनका बच्चा गिर गया, तो ये गांव के लोगों का यही कहना है कि हम राजस्थान पुलिस को गांव में नहीं आने देंगे, क्योंकि बहन बेटों से पूछताछ नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इस बारे में। जो पूछताछ करनी है आप पंचायत के लोगों से बात करें, गांव में राजस्थान पुलिस का विरोध होगा, और इसके लिए महापंचायत रखी गई है कि सीबीआई जांच की मांग गाँव कहता है कि हम करते हैं, महापंचायत के अंदर यही मांग रखी जाएगी कि अगर वो दोषी है तो उसको सजा हो, निर्दोष है तो वो गांव में आएगा, सम्मान आएगा, लेकिन पुलिस के माध्यम से नहीं, सीबीआई जांच की मांग करते हुए आएगा। 1 तारीख को सुबह 9 बजे यही बाबा बालकनाथ मंदिर है बबलदाना में, यहाँ महापंचायत रखी गई है और 15 सदस्य कमेटी बनाई गई। बलकार सिंह, गोरक्षा दल का जिला दल। तो आज हमें जो हमारे गोबर का नाम आया है, तो उसके उपलक्ष्य में एक पंचायत का आयोजन करेंगे, उसमें जो भी अधिकारी है हमारे ऊपर उनको भी बुलाया जाएगा और इन्वाइट कराया जाएगा। जैसे इनमें गो कसी के लिए जो गो कसी करते हैं, जो तस्कर है, वो गो भक्तों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो आराम से गो तस्करी कर सके, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी बुलंद ऊपर तक करेंगे और हरियाणा सरकार से भी अनुरोध करते हैं सीबीआई की जांच की जाए। तो 2 मुस्लिमों की जैसे जिस तरह की हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं इसीलिए गोरक्षा को टारगेट किया जा रहा है? हाँ, इसीलिए किया गया है, उनका तो अभी पता नहीं लगा ना अभी किसने किया है, या वो खुद गाड़ी में इलेक्ट्रिक से आग लग के जले हैं, अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो गोभक्तों को टारगेट कर रहे हैं। तो जो तस्कर है उन्होंने ये एफआईआर करवाई है, पहले 5 नामों की थी, अब उनमें 5 में 8 और जोड़ दिए, तो उनकी तो चलेगी, लेकिन हमारा हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो हम पंचायत का योजना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रिंकू सैनी उसका रिमांड लिया गया था, उसी ने नाम रखे हैं। मैं आपको ना एक बता रहा हूँ, कल आपको पकड़ ले पुलिस, तो आप भी कहोगे बलकार भी था जी, हमारे पत्रकार भी बंधु भी थे। आप निष्पक्ष जाँच कीजिए, सबूत दीजिए, हम ये कह रहे हैं आप सीबीआई जाँच करें। राजस्थान पुलिस, कांग्रेस पार्टी है वहाँ, 3 महीने बाद इलेक्शन है, उनके दबाव में आकर ये अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो इसी के लिए कह रहे हैं भी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, और ऐसे हमारे गोभक्तों को तंग ना किया जाए, ये उनको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कौन कह रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि 3 महीने बाद इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की चाल है या ये पता नहीं किसकी चाल है, ये तो वो बताएंगे। पॉलिटिक्स की जा रही है, पॉलिटिक्स है जो हिंदू मुस्लिम रखेगा।